गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे हैं बिना मात्रा के शब्द, दो वर्णों वाले शब्द, बिना मात्रा के शब्द, दो वर्णों वाले शब्द। तो अब देखो, दो वर्णों वाले शब्द है, बिना मात्रा के शब्द है। उसमें कल अपन ने पढ़ लिया था, जैसे चड है, डर है, धन है, पड है। आज पढ़ते हैं अपन जैसे छत। छ प्लस ट छत। इसी प्रकार सब से दस बैर। सब कर के प्लस रे कर फल वे प्लस ले फल। चल छ प्लस ल क्या बन गया? चल बन गया। क्या बन गया? चल। देखो, छत, सब, कर, फल, चल। तो ये शब्द है, दो वर्ण वाले शब्द है, बिना मात्रा वाले। दो वर्ण है ना, छ से छाता वाला और तय से तलवार, दोनों जैसे छ तय। तो इनको एक साथ बोलना है, फिर जैसे छ तय क्या बन गया? छत। जैसे स ब क्या बन गया? सब। क र क्या बन गया? कर। फ ल क्या बन गया? फल। च ल क्या बन गया? चल। तो यह है अपने दो वर्णों वाले बिना मात्रा के शब्द। यही आपको किसमें करना है? आपको होमवर्क में करना है। आए समझ में? आगे देखो, अपन प्लस कर लिया था, एडिशन सब्जेक्ट कर रहे हैं अब अपन, माइनस वन डिजिट वाले। कल मैंने कुछ बताए थे, आज और बताता हूँ। देखो, जैसे एट है, एट में से सेवन माइनस करना है। क्या करना है? अपने पास कौन सा डिजिट है? एट डिजिट है। और एट डिजिट में से आपको कौन सा डिजिट माइनस करना है? सेवन डिजिट माइनस करना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट आ गए। अब एट में से अपन को कितने डिजिट माइनस करने हैं? सेवन डिजिट। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन माइनस कर दिए। पीछे आपके पास कौन कितने बचे? वन। तो ये वन डिजिट लिख दिया। ऐसे आपको क्या करना है? माइनस करना है। सेकंड देखो, फाइव है, फाइव में से थ्री, फाइव में से थ्री। तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव में से कितने माइनस करने हैं? थ्री। तो वन टू थ्री, पीछे कितने बचे? वन टू टू। थ्री देखो, नाइन फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन।
नाइन में से फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, तो वन टू थ्री फोर। ऐसे जैसे आपको दे दिया फोर, फोर में से वन माइनस करो, तो वन टू थ्री फोर, फोर में से आपको क्या करना है, वन माइनस करना है, ये वन माइनस कर दिया तो वन टू थ्री क्या बच गया, थ्री। इस प्रकार आपको है ये अपना क्या था, सी डब्ल्यू। इसी प्रकार आप होमवर्क करिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको दे रहा हूँ। नंबर वन, नाइन, सेवन, एट, फाइव, फोर, थ्री, सेवन, फाइव। ये आपको क्या करना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है माइनस की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश में अपने स्पेलिंग चल रही थी और इस स्पेलिंग में अपन ने कहाँ तक कर लिया था, लॉयन, एल फॉर लॉयन तक कर लिया था, एम फॉर मंकी। देखो एम ओ एन के ई वाई मंकी, एम ओ एन के ई वाई, मंकी। मंकी मीन्स क्या होता है, बंदर। इसी प्रकार नेस्ट, एन ई एस टी, नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला, चिड़िया का घोंसला बनाती है ना वो, एन ई एस टी, नेस्ट। इसी प्रकार ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स क्या होता है, संतरा। मार्केट में मिलते हैं ना संतरे, लेके आते हैं अपन घर पे, वो है ऑरेंज। फोर्थ है अपना पिको, पी ई पिको, सी ओ सी के, पिको, पिको मीन्स मोर, पी ए पी ए सी ओ सी के, पिको। P E A C O C K, पिकॉक, पिकॉक मीन्स मोर। तो इस प्रकार आज अपन ने कौन कौन सी स्पेलिंग देखी, मंकी, नेस्ट, ऑरेंज और पिकॉक, ठीक है। ये आपको क्या करना है, होमवर्क में भी करना है, क्या करना है,
होमवर्क में भी करना, और इनको लाइन भी याद, स्पेलिंग अपन को लाइन होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। मैं पूछूंगा मंकी की स्पेलिंग क्या होती है, नेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है, ऑरेंज की स्पेलिंग क्या होती है, पिकॉक की स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, थैंक यू।